नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय। यार आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा ना फ्लो गड़बड़ हो रहा होगा वीडियो का और चीज़ों को प्रेजेंट करने का, मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। हो क्या रहा है, बहुत सारे नए लोग हैं, सबके साथ बातें करने में, इंट्रैक्शन करने में ना बहुत टाइम चला जाता है, और ये ना रियलाइज़ ही नहीं होता कि यार ये कैमरा भी है, फ़ोन भी है, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी है, तो ये ना बिल्कुल स्किप हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सो कल रात आपको कुछ मैंने म्यूज़िक सेशंस दिखाए होंगे, उसके बाद आज सुबह आपको मैं ज्वाइन करा रहा हूँ लगभग 12 बजे। ब्रेकफास्ट हो चुका है, सब लोग सुबह उठे थे, नहाना धोना, वॉशरूम एक्सेस, सब कुछ हो चुका है। एक हमने अभी सेशन करा था, जिस सेशन में थोड़ा सा मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था सबके साथ ओवर लैंडिंग को लेके, कि किस तरीके के मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं कैसे अपनी पैकिंग प्लानिंग या एग्जीक्यूशन करता हूँ, ये मैंने सबके साथ शेयर किया। अभी करंटली द ग्रुप इज़ रेडी, हम लोग जा रहे हैं ऊपर बाबा नीम करौली मंदिर, और उससे ऊपर जो छोटा सा व्यू पॉइंट है, कुछ लोगों ने आपने मेरे साथ पहले भी वो देखा हुआ है, तो वी आर गोइंग देयर नाउ। सबको लेके चलते हैं, वॉक करके जा रहे हैं, इस बार गाड़ी से नहीं जा रहे हैं। गाड़ी से तो मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं, 10 मिनट में वॉक करेंगे तो आई थिंक 1 घंटे की वॉक होगी हमारी, और इन्जॉय करेंगे, थोड़ा सा वहाँ टाइम बिताएंगे, व्यू देखेंगे, विल कम बैक टू द साइट, विल हैव लंच, आगे की एक्टिविटीज़ रहेंगी। फॉर नाउ मोस्टली एवरीबडी इज़ रेडी, सब लोगों ने शूज़ डाल लिए हैं, कंफर्टेबल अटायर में हैं, पानी की बॉटल्स ले ली हैं। ये आलसी बच्चे हैं वो जो कहीं नहीं जाना चाह रहे हैं, यहीं बैठे रहेंगे छाँव में, ये आलसी बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं, पर हाँ बाकी सारा ग्रुप एंथुजियास्टिक है। हाँ अच्छा ठीक है, तो अच्छा मैं स्क्रीन के पीछे रहता हूँ, चलो ठीक है ठीक है। ये देखो भाई डायलॉग मिल रहा है बच्चों से। सो दिस इज़ समवॉट व्हाट द कैंप साइट एंड द ग्रुप लुक्स लाइक। अब आपको लेके चलते हैं रस्ते पे, थोड़ी थोड़ी बातें करते चलेंगे सबसे, और आपको दिखाते हैं वापस वो 360 व्यू पॉइंट एंड मंदिर के पास चलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ा सा आगे। लेट्स गो नाउ, लेट्स गो। अपना घोंसला बनाने दो भाई, जाओ चलो कमाल है, उसके कमरे में तुम यार वीडियो बना। हाँ हाँ वो घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं कपल वहाँ पे। नहीं नहीं डाल रहे जी, नहीं डाल रहे, एडल्ट कंटेंट काट देंगे।
यार अभी ना यहाँ पर काफ़ी देर से हम सारा हमारा ग्रुप ना यहाँ व्यू पॉइंट पे आए हुए थे हम लोग थानों पे। मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है ये ऊपर बाबा नीम करौली मंदिर जो है उससे ऊपर ना एक यहाँ धारकोट नाम की जगह है, ये यहाँ पर ये थोड़ी सी समाज की जगह है तो यहाँ अच्छा सा ग्राउंड है। यहाँ से चारों तरफ ना व्यू बहुत अच्छा है, 360 व्यू है। आप लोगों को शायद जिन्होंने पहले वीडियोस देखी हमारी यहाँ पे हमने कैंपिंग करते देखा होगा। अब तो ना यहाँ पर खैर गाड़ियों का एक्सेस बंद हो गया है क्योंकि रोड बहुत टूट गई है, किसी भी तरीके की गाड़ी अभी नहीं आ सकती। बट हम लोग वॉक करके आए थे, बच्चे वगैरह गाड़ी से आ गए थे हमारे लिए ना, वो थोड़ी सी पानी की बॉटल्स और नींबू पानी वगैरह ले आए थे कप के साथ। वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सारा हमारा सामान यही है जो यूज़ भी हुआ नहीं, सारा कचरा हम अपने साथ लेके जाएंगे, कुछ भी यहाँ हम छोड़ के नहीं जाएंगे। गाड़ी जस्ट एक जिनसे बच्चे आए थे वो अभी नीचे ही खड़ी हुई है वेन्यू। तो इम्पॉर्टेंट चीज़, आप मज़े कीजिए, लोकल स्पेसेस में घूमिए, हम भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी, मज़े कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें ना बचपन में खेलते थे, बॉल को बैलेंस कर रहे हैं बैट पे, वो करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन ये कंपनी है, सब एक दूसरे की इन्जॉय कर रहे हैं, जो गंदगी मत मचाइए, कहीं भी जाए गंदगी मत मचाइए, मज़े कीजिए। अब चलते हैं लंच करने नीचे, वॉक पे जाना है, एक घंटे का वॉक है, पहुँचते हैं नीचे लंच करने, आगे और मज़े करते हैं, आपको भी कराते हैं। चलिए चलते हैं हम नीचे खाना खाने के लिए, लेट्स गो। लेकिन सुलक्ष भाई, हाँ ये इंजॉय हमने किया कभी सोलो, हाँ 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 वो भी अपनी अपनी साइड पे, हाँ जी हाँ जी, लेकिन इधर आके जो सेटअप देखा, हाँ जी हाँ जी, जैसे आप टेंट का है या ग्राउंड टेंट है, हाँ जी हाँ जी, ये भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इससे सीख के भी हमारे अंदर भी लालच की हमारे पास भी अपना सेटअप हो। सर सबसे जरूरी चीज तो आप कर ही चुके सेटअप, सबसे जरूरी तो खाना होता है, इसके बिना कुछ नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी आपका रेडी है, तो आधे से ज्यादा काम तो हो रखा है जी। तो हाँ जी कुको देख रहे हैं हम कैसे, कुको दूर बैठे रहते हैं, जैसे ही कैमरा चालू हुआ आप आ गए। नहीं, देखो मैंने लहसुन छीला, अच्छा मैंने प्याज छीला, हाँ मैंने मटर छीले, छील ही रहे। तो एक काम करना पड़ेगा, लेकिन मतलब राजू एक फाइनल काम हो रहा है, आप राजू बहुत मेन काम है, हाँ जी इस चिकन को भी थोड़ा सा वॉश करना है भी, ये कराओ सर। बहुत सही बहुत सही। रात कली एक ख्वाब में आई और गले खार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले खार हुई, सुबह को जब नींद से जागे भाई। यहाँ डे टू बट कोई भी ना फर्स्ट टाइम ओवरलैंडर लग ही नहीं रहा है, एक दिन में सब हो गए प्रोफेशनल, खाना बना रहे हैं, गिव अप कर दिया भाई, होटल में नहीं खाना, कुछ भी बना दे होटल वाला नहीं खाना, पीछे बन रहा है किचन में खाना, और लग ही नहीं रहा कि कोई बंदा यहाँ फर्स्ट टाइम घर से निकल के आउटडोर्स एक्सपीरियंस करने आया हुआ है। सब लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं इस लोकेशन में, बहुत कंफर्टेबल हो गए एनवायरनमेंट में, सबके ना अपने अपने लाइकिंग के हिसाब से ग्रुप्स बढ़ गए, जिसे खाना बनाना पसंद है वो मस्त खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं सबको प्यार से, म्यूज़िक वाले बंदे एक तरफ जा रहे हैं,
नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं एक तरफ आदि भाई, और कुछ कैमरा वैमरा लेके लोग अपनी, यही करना था हमें। दिस वॉज द पर्पज ऑफ दिस होल ट्रिप। हमें बहुत मज़ा आ रहा है यार, मैं और अमन भाई अमेजिंग फील कर रहे हैं यार। वी आर लकी टू होस्ट सच ग्रेट पीपल, और मज़े करते हैं, मज़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आपको दिखाते रहते हैं क्या हो रहा है। लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी, लेट्स गो। सर क्या हो रहा है आज? हम लोग आउटिंग करने के लिए आए हुए हैं जी, और हम लोग 18 बंदे हैं। हाँ। और हम लोग अलग अलग जगह से हैं। हाँ, कोई चंडीगढ़ से है, कोई मैनपुरी से है, कोई नोएडा से है, कोई दिल्ली से है, कोई गुड़गांव से है, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। हमने स्टॉल लगाया हुआ, हम चिकन बना रहे जी, आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली हम लोग होटल का खाना खा के बोर हो गए थे। हाँ, बोर हो गए थे, सही बात है। मुझे कुछ अलग चाहिए था। हाँ जी। उसके लिए मैंने क्या किया है, आज अपना स्पेसिफिक चिकन करी बनाई है, बेस्ट में बेस्ट। देखो जी, ऐसा है, ऐसा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान भाई साहब का ये, इन्होंने बनाया चिकन। कलर देखिए आप, कलर जबरदस्त, ठीक है। टेक्सचर देखिए, टेक्सचर देखिए, तेल ऊपर है, तेल जबरदस्त। स्मेल आपको लग रही होगी, स्मेल मुझे आ रही है सर, बहुत अच्छी। जबकि मैं खाता नहीं हूँ, पर करी का स्वाद तो सबको ही पता होता है। कोई नहीं, करी में जो फ्लेवर आ रहा है ना, स्मेल में भी वो। चलिए आपको एक सरप्राइज और, एक जी तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें कुछ और बाकी भी है। अच्छा, ओके, तड़का लगेगा एक। अच्छा, ओके ओके, फाइनल टच तब होगा, ठीक है। सर वेज वालों के लिए कुछ दिखाएं। यस, सरप्राइज है, सरप्राइज है। चलिए चलिए सर, सब पता है क्या होता है, हर बार ना वेज वाले मारे जाते हैं। हाँ। क्या होता है, नॉन वेज वाले अपना तो खा ही लेते हैं, वेज वालों का भी खा लेते हैं, उनका ही मैंने ख्याल रखा हुआ है। इस बार वेज वालों को बताओ क्या है। ये देखिए, अरे पनीर करी। अरे ओह सर, ये तो उससे बहुत अलग है जो मैंने पहले देखी थी। हाँ, वो अलग की है ना मैंने। सर ये तो बहुत सही हो गई है, देख के ही पता चल रहा है क्या मजे आने वाले हैं। देखिए, सर सर सॉरी, पर मैं तो ना बिल्कुल एक, हाँ हाँ बिल्कुल, लीजिए लीजिए। अरे भाई सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, जेन्युइनली बेस्ट, मतलब आउटडोर्स में ये फ्रेश बनी हुई पनीर की सब्जी। ओहो हो, लेकिन सुलक्ष भाई। हाँ जी बताएं सर, एक बात बताइए। हाँ, दोनों चीजों में, हाँ,
टाइम हमने कितना लगाया वो तो आपने खुद देखा है, बहुत टाइम लगा है। हाँ। जितना ज्यादा टाइम और प्यार जाता हाँ। है उतना खाने में उतना ही टेस्ट आता है। बिल्कुल सर, जो पेशेंस लेवल ऑफ कुकिंग है और जिसके अंदर पेशेंस है वही कुकिंग अच्छी कर सकता है। बिल्कुल सर, जल्दी में तो रोटी भी बन जाएगी। आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैंने करी बनाई थी, करी चिकन की और पनीर की एक साथ बनाई थी, उसमें हुआ ये कि पनीर में जो करी मैंने डाली थी वो थोड़ी सी वीक हो गई। अच्छा, उसके लिए मुझे दोबारा सेटअप बनाना पड़ा। अच्छा, दोबारा उसमें दोबारा तड़का पूरा लगा करके दोबारा तड़का लगा इसमें। उसके बाद में मेरे पास मेरे कुछ सीक्रेट मसाले हैं, उसका तड़का मैंने उसमें लगा दिया है, उसमें लगना बाकी है। तो, अच्छा। एक फनी बात बताऊं। हाँ जी, हाँ जी। तड़का मसाला जो इनका सिगरेट है, लीवर 52 की डब्बी में है ना, मैं दिखाता हूँ इनका सिगरेट मसाला है ये कैशिक्स में। ये क्या है ये सिगरेट मसाला? ये जादू की डिब्बी है। यस, यही डाला है आपने? नहीं, ये नहीं डाला है। अच्छा, इसके अंदर उसको मत दिखाओ। वही तो मैं, कोई अपना क्लेम कर दे उससे मतलब नहीं है। समझ गया, ये डिब्बी है हमारे लिए केवल सिंपल सी खाई डिब्बी। अच्छा, कंटेनर है। हाँ, कंटेनर है, कंटेनर है, मामला अपना है। इसमें मैं आपको स्मेल कराऊंगा कि मसाला, आप स्मेल करिए एक बार, थोड़ी सी नजर मारे। ऐसे लिए ना? नहीं नहीं सर, ऐसी गरम मसाला नहीं है सर, भाई ये सर को दिखाइए एक बार। गरम मसाला, गरम मसाला नहीं है, नहीं है ये गरम मसाला नहीं है, 17 मसाले हैं। ओह, अलग है सर, ठीक है ना, तो वो चीज है सर। एक चीज और, अभी जैसे आपने वो उबली हुई दाल मंगाई हुई है, हाँ। उसका भी कुछ बढ़िया वैसी मत खिलाना जैसी होटल वाला खिला रहा है। आपको मैं दाल ऐसी खिलाऊंगा, होटल वाले से बेटर बना देना आपको दाल। मैं ऐसी खिलाऊंगा कि आप जिंदगी में याद करेंगे कि भैया ने कोई दाल खिलाई। बिल्कुल सर, मजा करा दो, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। वेज वाले बहुत खुश हो जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल भाई कहाँ गए? तरुण वेज वालों का विशेष ख्याल रखना था बस। थैंक यू, थैंक यू। दिन में हम लोग जब खाना खाए थे रेस्टोरेंट पे, वहाँ क्या हुआ, वहाँ टेस्ट में थोड़ी सी कमी थी। है, बिल्कुल है, ठीक है ना। उनको क्या, तो उनकी भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि उनको 18 बंदों के लिए जस्ट में एकदम प्रिपेयर करना। आपने ऑर्डर दिया ना, आपने तो केवल ऑर्डर दे दिया, लेकिन उस बंदे को तो प्रिपेयर करना ना। सही बात, बिल्कुल। अब वो क्या है, वो सब मल्टीपल करता है। आलू बाग रख दिया, आपको जीरा चाहिए, जीरा मार दिया, एक एक ही कढ़ाई में वो तड़कों में सब कुछ डालता जाता है। ग्रेवी एक पैर बना के, इतना टाइम लगाना, नहीं लगा डालना तब से बैठे, अंधेरा भी नहीं होता तब से बैठे हो आप लोग, ये कर रहे हो, इतना टाइम बना चुका है। इतने में तो हम ऊपर से ट्रैकिंग करके आ गए थे। सही बात, बिल्कुल सही, उतना ही टाइम लगा। जितना ट्रैकिंग हमने 12 किलोमीटर में लगाया, 4 घंटे, उतने में ये 2 सब्जियों में टाइम लगा। बिल्कुल लगा सर, लगा, ठीक है, ओके, डन सर, मिलते हैं खाते वक्त। थैंक यू सर, अभी खाते वक्त ना और डकारे मारेंगे, पता चल जाएगा कि सच में क्या मजा था। बाकी सर, थैंक यू, थैंक यू, चीयर्स, चीयर्स सबको, चीयर्स, 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 चीयर्स। फुल मजे सर, फुल मजे। सारे कुमके में के अमरीका रूस मलेशिया ना किसे भी कोई कोई मंगता सी मेरा समा कोई हुंदा सूरत ते फिजा कोई मंगता मेरी अबला कोई मंगता मेरी वफा तेरे और ना किसे सजना ऐसी तेरी निगाह सजना जाती जाती हसदी जा तू दिल दे विच की तेरे दिल दे विच की तेरे मैं सुनया उच्चिया दीवारा रखिया इस दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रख दिया कोई दिल च ना लाने रे मैं सुनया पहला भी दिल टूटे तेरा एक बारी तायो दिल दी दीवारा ते तू एक ना बनाई। चलो थोड़ा आप सभी गाएंगे यार ऐसे।
जो है समा कल हो ना हो।
मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, शाम है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, कल हो मुझको इतना बता दे कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, कल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, जाऊं तो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते ना तेरे इश्क में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं, सारी दुनिया से जीत के मैं
आया हूँ इधर तेरे आगे ही मैं हारा किया तूने क्या सर मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ कि तूने क्या किया एंड नमस्ते जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बहुत शांत बहुत काम मॉर्निंग हो चुकी है हमारी कुछ ग्रुप के मेंबर्स ऑलरेडी पीछे से जा चुके हैं किसी को जल्दी घर पहुंचना था किसी का कुछ फर्दर एंगेजमेंट था तो कुछ मेंबर्स हमारे ऑलरेडी निकल चुके हैं साइट अभी भी मोस्टली ऑक्यूपाइड ही है द एजेंडा फॉर टुडे इज़ ओनली क्लीनिंग अप ऑफ द साइट सब कुछ ये देखिए थोड़ा सा फैला हुआ है कल रात के बाद तो ये सब हम लोग क्लीन करेंगे अपनी ही जगह है यार ये तो कॉमन पब्लिक ग्राउंड भी नहीं है तो अपनी जगह तो ऑफ कोर्स साफ करेंगे ही करेंगे तो विल क्लीन एवरीथिंग अप सबका रैप अप होगा आज ब्रेकफास्ट करके एंड देन एवरीबडी विल मूव ऑन टू देयर होम्स दिस वॉज एन अमेजिंग ट्रिप लोगों की कंपनी बहुत इंजॉय की यार और होपफुली जो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करके कैंपिंग करके ओवरलैंडिंग करके उनको अच्छा लगा तो बाकी तो वी हैव ट्राइड अ बेस्ट एंड होपफुली आपको भी ये वीडियोस देख के मज़ा आया होगा अब बस घर जाने की तैयारी और अगली ट्रिप पे कहीं नई जगह कुछ नए लोगों के साथ या शायद कुछ पुराने लोगों के साथ भी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगेन बाय बाय